brought to you by ITIL and Hire. समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट का नाम पूरे वीकेंड चर्चा में रहा। आप चाहे इंस्टाग्राम पर रील देखते हो या फेसबुक पर वीडियो, इस शो से जुड़ी बातें आप तक पहुंचती होंगी। इस एपिसोड की भी खूब क्लिप कटे। अब इस पर बहस हो सकती है कि ये कितना मार्केटिंग एजेंसी का काम किया हुआ है या UGC का, लेकिन इस शो की चर्चा खूब रही। इतना कि एक घंटे लंबे एपिसोड में केवल 3 दिन में 1.5 करोड़ व्यूज आ गए। इस एपिसोड के पैनल में बलराज, अग्गू, मनन देसाई और दीपक कलाल थे। इस एपिसोड में 2 लोगों की चर्चा खूब रही, एक भविष्या और दूसरे थे यश शर्मा। हुआ ये था कि यश शर्मा ने लेटेंट में आकर गाना गाया था, जो शायद दीपक कलाल को पसंद नहीं आया, इसलिए दीपक कलाल ने उन्हें रोस्ट किया। पैनल में बैठे जजेस को भी शायद लगने लगा कि लाइन क्रॉस हो रही है। यश शर्मा ने अपने गाने के बाद बचपन के ट्रॉमा के बारे में बात की, जिस पर दीपक कलाल लगातार उनका मजाक उड़ा रहे थे और इस सब पर यश सिर्फ हंसे जा रहे थे। एपिसोड के बाद कमेंट सेक्शन में बस यश के सपोर्ट में ही कमेंट आए। जैसे एक यूजर ने लिखा, यश बहुत बेहतरीन, उसने गिटार बहुत अच्छा बजाया और चुटकुलों को भी चैंपियन की तरह लिया। एक और यूजर ने लिखा कि मुझे सचमुच यश को गले लगाने का मन हुआ, वो कितना प्यारा इंसान है। एक कमेंट आया, यार मुझे यश के लिए बुरा लगा, और ये भी कि जजेस को भी लगा शायद हद पार हो गई है। एक यूजर ने सुझाया, समय को अपने मेहमानों का चयन बुद्धिमानी से करना चाहिए। कहा गया कि समय भाई ऐसे लोगों को बुलाइए जो मजेदार भी हों और पार्टिसिपेंट्स को रेस्पेक्ट भी दें। एक और कमेंट आया कि कॉमेडी और अपमान के बीच एक पतली रेखा होती है, दीपक कलाल ने इसे पूरी तरह से पार कर लिया। यश ने सब कुछ खेल भावना से लिए, मुझे तुम पर गर्व है। यश को प्यार पहुंचाने वाली जनता उनके इंस्टाग्राम तक पहुंच गई, उनकी रील पर बहुत सपोर्टिव कमेंट्स आने लगे, उन्हें बेस्ट, खूब सारा पेशेंस वाला और रिस्पेक्ट देते लोग दिखे। इंडिया इज नॉट फॉर बिगनर्स जैसी तमाम बातें सोशल मीडिया पर आए दिन होती रहती है। इस तरह के कैप्शन के साथ आता है भयंकर वीडियो। उस वीडियो में ऐसा कुछ हो रहा होता है जो आम इंसान सोच नहीं सकता। अब आम इंसान जो चीज सोच नहीं सकता वो कोई इंसान कर रहा है, तो इंडिया इज नॉट फॉर बिगनर्स, जुगाड़ से देश चल रहा है जैसी बातें आती है। हुआ यह कि सोशल मीडिया पर एक रील वायरल हुई। रील है ट्रेन की, त्योहारों के चलते रेल खचाखच भरी हुई है, जिसके चलते ट्रेन में बैठने की जगह कम होती जा रही है। 2 साइड अपर को जोड़ने के लिए एक यात्री ने ऐसा जुगाड़ बनाया कि इंस्टाग्राम की जनता देखती रह गई। इस रील में 2 साइड अपर के बीच में लोगों ने खाट ही बुन दी। इस जुगाड़ की सराहना तो हो सकती है, मगर ये इलीगल है। पहले आप वीडियो देखिए। ये वीडियो था तो अनोखा, इसलिए रेडिट, फेसबुक, ट्विटर और न जाने कहां कहां पहुंचा। मजेदार बातें लिखी गई। किसी ने लिखा, एक नई बर्थ, हम यानी हैंगिंग अपर मिडिल का आविष्कार किया गया है जो पोर्टेबल भी है। एक यूजर ने कहा कि खटिया के कॉन्सेप्ट को अच्छे से इस्तेमाल किया गया। एक कमेंट आया कि नींद खराब नहीं होनी चाहिए भाई। ट्रेन वाले जुगाड़ की बात हो गई तो एक और वायरल वीडियो की भी बात कर लेते हैं। ये भी ट्रेन से ही है। रेडिट पर एक यूजर ने एक ट्रेन का वीडियो अपलोड किया। मात्र 3 सेकंड के इस वीडियो में दिख रहा है कि ट्रेन पर खचाखच गंदगी है। पहले आप वीडियो देखिए। एक और जहां लोग ट्रेन के गंदा होने पर सवाल उठा रहे थे, वहीं कुछ लोग ट्रेन पर चलने वाले यात्रियों से भी सवाल पूछ रहे थे। जैसे एक यूजर ने लिखा कि यात्रियों का सिविक सेंस दिखाता है, भारतीय रेलवे ने उस सिंक में नहीं थूका। एक यूजर की सलाह थी कि कैमरा लगाओ और इन लोगों पर फाइन लगा दो। एक कमेंट ने इन सब से इतर बात की, उसमें लिखा था कि मैं भारतीयों के सिविक सेंस पर पूरी तरह से सहमत हूं, लेकिन दूसरी ओर यही लोग मॉल या विदेश जैसे पॉश जगहों पर ऐसा क्यों नहीं करते। इसका कारण यह है कि इन्हें अच्छी तरह से बनाए रखा गया है और बहुत ज़्यादा निगरानी वहां पर रखी जाती है। अगर हम समाधान के बारे में बात करें तो इसका एकमात्र उपाय इन लोगों पर भारी जुर्माना लगाना और बोगियों में ज़्यादा से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों को रखना है। आपको क्या लगता है, हम ट्रेन्स पे सफाई कैसे रख सकते हैं? हमारी ट्रेन्स को साफ रखने का बेहतर तरीका क्या हो सकता है? आप कमेंट में बताइएगा। अब बारी है नए सेगमेंट की, जिसमें हम रैपिड स्पीड में वायरल और ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे। हम एक एक वाक्य में ट्रेंड में चल रही चीजों के बारे में बताएंगे। पहली खबर के लिए चलते हैं पाकिस्तान। लाहौर में प्रदूषण से लोगों का बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि AQI 1900 यानी 1900 पहुंच गया है और इसके साथ ही लोग बीमार भी पड़ना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान ने सारा दोष भारत को दिया है। वहां के मंत्री ने कहा कि इस प्रदूषण का जिम्मेदार भारत से आने वाली हवाएं हैं।
दिलजीत के शो की महंगी टिकट ना खरीदनी पड़े, इसके लिए एक जुगाड़ वायरल हुआ। जहां कॉन्सर्ट था, लोग उसके पास की ऊंची इमारत पर बड़ी संख्या में पहुंच गए और मुफ्त में शो के मजे लिए। बीइंग जयपुराइट्स नाम के पेज में ये वीडियो अपलोड किया गया, जहां से ये खूब वायरल हुआ। सोशलिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज है एक बेहद जरूरी बात जो हर साल दिवाली के वक्त उठती है। पहले लोग इस बात का मजाक उड़ाते थे, लेकिन मजाक के चलते समाज ही बदल गया, इसलिए कॉमेडियन गौरव कपूर ने जिम्मा उठाया। जिम्मा के सोन पापड़ी को बाजार में फिर से लाया जाए, क्योंकि सोन पापड़ी उतनी भी बुरी नहीं होती जितना कुछ लोगों ने उसे चुटकुले के लिए बना दिया। सुनिए गौरव की जरूरी बात। मुझे इस बार दिवाली पे एक दुख है कि इस बार मेरे घर पे एक भी डब्बा सोन पापड़ी का नहीं आया है। आप लोगों ने इतना बदनाम कर दिया कि लोग सोन पापड़ी दे नहीं रहे, हल्दीराम पे जाओ सोन पापड़ी मिल नहीं रही, किनारे में 6-8 डब्बे पड़े हुए हैं। मुझे पसंद थी यार, वो तो सालों से दुनिया के प्रेशर के अंदर मैं बोल नहीं पाता था कि मुझे सोन पापड़ी पसंद है। मेरे घर पे सोन पापड़ी का डब्बा आता था तो वो कभी आगे नहीं जाता था। सोन पापड़ी है कि नैनो गाड़ी है, तुम जैसे लोगों ने ही नैनो को नहीं चलने दिया, बदनाम कर दिया। अच्छी गाड़ी थी वो, क्या वो पोयम सोन पापड़ी पे ही बनी है? इतना चुभने लगा हूं दुनिया को। इस साल सोन पापड़ी नहीं आई तो लोग बादाम, काजू और किशमिश को रिसाइकिल करने लगे, वो आगे देने लगे। असली प्रॉब्लम सोन पापड़ी में नहीं है, असली प्रॉब्लम हमारे एटीट्यूड में है कि हमको हर साल कुछ ना कुछ किसी और को देना जरूर है, क्योंकि हमें पता है पूरा नहीं खा पाएंगे। बाकी आज के शो में इतना ही। मैं थी सोनल, आप देख रहे थे सोशल लिस्ट। कैसा लगा आपको, आप कमेंट में बता दीजिएगा। आशीष छुट्टी पर है, कल भी शायद छुट्टी पर रहेगा, तो कल मिलूंगी। बाय।